दो चीज फेमस है, एक वकील एक गधा। हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? वेलकम बैक अगेन टू यशु रिकॉर्डिंग। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और हंसी क्यों आ रही है? कितनी आदत नहीं ना सामने कैमरे के आंगन। चलो आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग चैलेंज ब्लॉग, जिसमें मम्मी का दिमाग होगा टेस्ट कि वो दिमाग से पैदल हैं या दिमाग से तेज़ हैं। तो उसमें करना क्या है कि हमारे पास है पांच तरीके की कैटेगरी, जिसमें से हम लोग एक दिमाग से पैदल हो भी सकती हूँ, पता चलेगा से पता चल जाएगा, इस गेम से पता चल जाता है कि दिमाग से पैदल हो या दिमाग से तेज़ हो। सो इस चैलेंज में क्या होगा, हमारे पास है पाँच कैटेगरी, पांच कैटेगरी में से जो कैटेगरी उठाई जाएगी उससे रिलेटेड कुछ एक चीज़ मैं अपने दिमाग में सोच के रखूँगा, और मम्मी को मिलेंगे 20 क्वेश्चंस पूछने के लिए मुझसे कि वो है चीज़ है क्या, और उसका जवाब सिर्फ यस या नो में दिया जाएगा। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का चैलेंज, और पहला आपको उठाना है। आप पिछली बार हार गई थी, इस बार सोच लो। चलो उठा लेते हैं अभी। फूड, पहली कैटेगरी आई है फूड, और मम्मी को सोचना है कुछ फूड आइटम अपने दिमाग में, और उसका आंसर देना है मुझे 20 क्वेश्चन यस या नो सेलेक्ट कर। चलो सोचे कुछ फूड का। सोच लिए। स्वीट डिश है? नो। गरम डिश है? गरम गरम खाते हैं। हाँ गरम गरम खाते हैं। दो क्वेश्चन। चावल के साथ खाते हैं? हाँ। पहले भिगोते हैं? नहीं। उसमें जब पका लेते हैं उसमें तड़का डालते हैं? कोई जरूरी नहीं। हाँ या ना में बोलना था। अच्छा। पीली रंग की है? हाँ पीली रंग की है। दाल? नहीं। हल्दी? नहीं। हल्दी काम खाता है अच्छा। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? आप लोग भी सोच के रखो। छोले? नहीं। छोले कहाँ से आ गया मेरे दिमाग? हल्दी दो? नहीं। कुछ ज्यादा दिमाग चल रहा है। शिट तो बहुत ही ट्रिकी है। अभी रिसेंटली खाया था? हाँ। आज खाया था? नहीं। आज की चीज तो नहीं। ऐसा क्या सोच के रखी है? मुंबई में मिलती हो? हर जगह मिलती है। नॉर्थ इंडियन है या साउथ इंडियन? नॉर्थ इंडियन है। हाँ। रसमलाई? रसमलाई कहाँ पीली होती है? कहाँ पीली होती है? उसमें से पीली ही होती है। 15 क्वेश्चन होगा, 17 क्वेश्चन पे हम लोग एक हिंट ले सकते हैं। रोटी के साथ खाते हैं? नहीं। दे दो क्या है? चावल के साथ ही खाया जाता है। ये कैसी हिंट है? चावल के साथ तो न जाने कितनी सारी चीजें खाई जाती हैं। बेसन से बनता है। ये तो बहुत ही आसान है। क्या? कड़ी। आपने हिंट बहुत आसान वाली हिंट दे दी, तभी पकड़ में आ गए। अब बेसन से बनती है, अगर सोच चने से बोलती, चने से बोल बनती होती तो नहीं बता पाते। तो गाइस पहला राउंड मम्मी जीत, अरे हम मतलब मैंने जीता है, भूल गया था। चलो मेरी बारी है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट में मुझे एक पर्सनैलिटी का नाम सोच के रखना है, कोई सेलिब्रिटी का नाम, और आपको पूछना है वो क्या है। ठीक है चलो सुन लिए, सोच लिए। लेडीज या जेंट्स? अब यस या नो पूछो ना। लेडीज। यस। संभावना सेठ? नहीं, हम इतना आसान नहीं पूछने वाले। संभावना सेठ के आजकल ब्लॉग्स देखती ना तो वही दिमाग में छाया हुआ मम्मी। कुछ भी पूछो संभावना सेठ। नेक्स्ट। ऐश्वर्या राय? इतनी जल्दी कैसे गेस कर ली? इतनी जल्दी कैसे गेस कर ली?
दिमाग मेरे आया कि होगा सही कैसे क्योंकि फेवरेट हीरोइन है मेरी तो ये सोच के थोड़ी लिया था मैंने सोचा चलो देखते हैं उसके इसके इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसलिए मैंने सोचा कि ऐश्वर्या राय दिमाग में डालते हैं हो गया मेरा ये तो बहुत आसान चलो ये राउंड मम्मी जीत गई हैं और तो मैं स्कोर कितना होता है 1-1 अब हम उठाएं ना हाँ सॉरी आपकी चांस प्लीज सोचो इंडिया में है नहीं इंडिया में नहीं है यूरोप में है नहीं अमेरिका में है नहीं यूरोप में नहीं अमेरिका में भी नहीं है एशिया में है हाँ एशिया में है हाँ एशिया में है अच्छा जापान नहीं चाइना नहीं थाईलैंड नहीं तो कौन सी जगह चूज की हो इतनी छोटी हाय छोटी जगह बता वहाँ गए हैं नहीं साउथ एशियन कंट्रीज मोस्टली घूम के आ गए नहीं आ रहे थे ओके वहाँ गए कि नहीं वहाँ कोई रिश्तेदार रहता है मुझे नहीं फ्रेंड रहता है मेरा कोई कोई नहीं कौन सी जगह चूज की हुई टापू आपको तो नहीं है कोई क्यों बताएं आप चाइना के अंदर है नहीं वहाँ से आतंकवादी तो नहीं निकलते नहीं पाकिस्तान वहाँ पे पहाड़ है बहुत सारे पहाड़ तो है पहाड़ है पहाड़ तो हर जगह होता है ज़्यादातर कौन सी नई बात है बहुत मतलब वो पहाड़ी इलाका ही है ना हाँ हाँ है अच्छा वो इंडिया के से जुड़ा हुआ कंट्री है हाँ या ना हाँ अच्छा इंडिया और चाइना का बॉर्डर भी दोनों के साथ में है ओके तो दो कंट्री तो मेरे पास आ गई नजर में नेपाल हाँ ना शाम का पूछा शाम बता पाए जल्दी से जल्दी क्या मतलब मेरे एक्चुअली 13 क्वेश्चन हो गए थे 13 क्वेश्चन तो पता चल गया था कि ये नेपाल नेपाल गई हो क्या आपके प्रोग्राम था लेकिन अब कोरोना में कहाँ जाएंगे चलिए वहाँ पे थोड़ी कोरोना का क्यों नहीं है सब जगह है कोरोना नेपाल में ज़्यादा नहीं है लेकिन जाओगे कैसे चलो मेरी बारी आ गई पॉलिटिक्स मुझे चूज करना है कोई पॉलिटिकल इंसान चलो लड़का है नहीं तो लड़की है ही स्मृति ईरानी तो नहीं नहीं स्मृति ईरानी की भक्त क्यों है क्योंकि हमको उसका फासर बहुत अच्छा लगता है ममता बनर्जी नहीं तीन क्वेश्चन हो गए तीन हो गए मेरे सोनिया गांधी नहीं सीता रमन क्या है वो अभी नाम खुद नहीं पता पूछ रही हैं कुछ अरे नहीं निर्मला नहीं चार क्वेश्चन हो चुके मम्मी साउथ की नहीं नॉर्थ की है नहीं हमको लगता है यूपी की है नॉर्थ हमने बोला नॉर्थ की है नॉर्थ की है कांग्रेस पार्टी की नहीं पूछ ले तो तुमसे फिर कौन है तो हम कैसे बताएं हारी मान लो तो बता दे कौन चलो है चलो हारी चलो हम हिंट दे देते हैं उसका रिंग टोन ये है क्या ding 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 प्रचार में आती थी वो पर्स लेके चलती थी पर्स भी लेके चलती थी कौन बहुत ही महंगा पर्स लेके चलती है यूपी में आ चुकी है वो अरे वो प्रचार के लिए हाँ
अब जिसको जिसको पता है पर्स लेके यूपी में कौन चल सकता है, तो उनको पता हो गया कि ये है कौन। उसका फेवरेट कलर पिंक है। इतना तो अब तो समझ में आ ही गया होगा। ऑलरेडी तो टाइम अप हो गया है। उसका नाम है, इस म्यूजिक का है, मायावती की सरकार मुलायम सिंह पानी भरे। अब आप टर्न, अब आप सोचेंगे ना अपने दिमाग में। अभी तो हम सोच ही थे अपने दिमाग में, ये क्या अभी तो हमसे पूछा भी नहीं। अरे सोच, पहले हमने सोचा था फिर आप। चलो ठीक है, हाँ एनिमल। चलो चलो सोचो एनिमल। चलो सोच लिया। सोच लिए। पानी में रहता है? नहीं। जमीन पर रहता है? जमीन पर तो रहता है। जमीन पर? हाँ। ओके। रेंगने वाला प्राणी है? नहीं। उड़ने वाला प्राणी है? नहीं। रेंगता भी नहीं, उड़ता भी नहीं। घास खाने वाला प्राणी है? हाँ। सींग होती है? नहीं। सींग नहीं होती। अच्छा, चार पैर है? चार पैर तो होते ही है। हाँ। मतलब चार पैर लेके जमीन में चलता है? कोई भी जानवर चार पैर होता, दो पैर जानवर नहीं चलता। अच्छा, मुर्गी के दो होते हैं शायद। वो कहाँ जानवर है, वो तो बर्ड में आता है। तो बर्ड क्या है, एनिमल्स के अंदर बर्ड भी आती है? नहीं। अच्छा, एनिमल अलग होता है? अलग से। ये भी नहीं पता। जंगली, जंगली घास खाने वाला है कि जंगली घास खाने वाला? ऐसे नॉर्मल ऐसे। बहुत झुंड में खाती है? झुंड में नहीं, अकेले खाती है? अकेले भी खाती है, कई लोग के साथ भी खाती है, जैसे उसको मिला। उसकी हाइट जो है लंबी है? नहीं। कुलाचे मारता है? कुलाचा क्या है? ऐसे उछलती है? नहीं। दूध देती हो? दूध तो हर जानवर देगी। कौन जानवर जब बच्चा देगी दूध भी देगी। मतलब दूध, उसका दूध हम लोग पीते हैं? नहीं। उसकी गर्दन बहुत लंबी है क्या? नहीं। काले रंग का है? नहीं। वो हम तो जानवर को हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ, मतलब यूज़ करते हैं उसको, यूज़ करते हैं क्या? जंगल में रहती है? नहीं यूज़ करते हम लोग। भूरे रंग का होता है? हाँ। घोड़ा? नहीं। उसको डेली देखते हैं हम लोग? हाँ। अब यहाँ बम्बई में थोड़ी दिखाई पड़ेगा। रायबरेली में तो बहुत देखे हो गए। वहाँ दो ही चीज़ तो फेमस है। इतना तो तुमको भी समझ में आ गया होगा, बचपन से देखे हो। गधा। रायबरेली में दो चीज़ फेमस है, एक वकील एक गधा। मैंने गधा ही समझा। तो ये तो बता दिया मैंने, तो ये राउंड बता दे, हिंट दे, सब बता ही तो दिए हैं। अब गधा वकील तो बहुत है, हर गली में दस गधा खड़े रहते हैं वहाँ। जो लत्ती चलाते हैं कि एक बार तो गधे ने इनको लात भी मारी। डॉक्टर कुमार के लड़के का पूछा अपने पापा से, पापा ये कैसे लत्ती मारते हैं, कहे वहीं जाके खड़े हो उसके पास। मैंने मारी एक बार, तो मारा एक बार लत्ती। क्या हुआ था, कूड़ा फेंकने गधा जो है ना जाके उतनी दूर पे गिरे। एक बार क्या हुआ, कूड़ा फेंकने गए थे हम, और फिर गधा वहाँ पे खड़ा हुआ था, उसके ऊपर कूड़ा गिर गया। प्रकाश नगर में बहुत ही था। हाँ, और उसने गधे ने पीछे से दो लात उठाई, थार से मेरे घुटने मार दिए, घुटने नीले हो गए। ऑल राइट गाइस, तो आज के इस व्लॉग में मम्मी फिर से हार गई हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट व्लॉग होगा था ये हमारा आज का। कितना हारे हम, एक ही बार तो एक। हाँ तो मतलब एक्चुअली लास्ट वाला काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए गेस करना, बट 17 क्वेश्चन में जो हिंट वाला आ जाता है उसमें तो आराम से मम्मी ऐसा हिंट दे देती कि इसमें कोई भी गेस कर सकता है। तो इसलिए आज के विनर हैं हम अगेन, और आप हार गई, विनर। और हम लोग एंड करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे, और हम लोग को बताइए आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट लिखिए, एक करिए, क्या करिए, लाइक करिए, एक करिए, कुछ बोले एक करिए। तो आपको मिलते हैं हम लोग परसों, और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।